हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल दैट इज अचीव आईएएस। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे अचीव आईएएस पे। सो दोस्तों, आपका प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है यूपीएससी का 2019 का, 2 जून 2019 जो डेट है उसको, उस दिन आपका प्रीलिम्स होगा। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे अभी मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज हमें बताइए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए इन 42-45 डेज में। आज 12 अप्रैल है, नियर अबाउट 40 डेज बचे हैं। तो आपकी जो प्रेपरेशन है इस टाइम पे, आप बहुत से आप में से कंफ्यूज्ड होंगे, एंग्जाइटी में होंगे, या आपको रिवीजन की टेंशन होगी कि कैसे हम करें, समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज फॉलो करनी है क्या चीज नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि हम आपको गाइड कर सकें प्रॉपरली, कि आपको पता चल सके कि आप कौन सी चीज आपको रीड करनी है और कौन सी चीजें आपको रीड नहीं करनी है। तो बेसिकली हम एक वीडियो में तो सब कुछ बता नहीं देंगे, हम धीरे धीरे जो है आपकी जो इससे रिलेटेड वीडियोस हैं हम बनाएंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, हर टॉपिक के लिए आपको बताएंगे कि आपको क्या रीड करना है और क्या रीड नहीं करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने का पर्पस है, आज हम बात करेंगे कि एंशिएंट इंडिया में कौन से टॉपिक हैं जो रीड करने लायक हैं। इसी तरह हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे अलग अलग टॉपिक्स के लिए। अब आपको दोस्तों पता है कि यूपीएससी में एंशिएंट इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओपन ऑन, एंड साथ ही साथ एंशिएंट इंडिया में एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो आपकी आर्ट एंड कल्चर की है। हालांकि हम इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, एंशिएंट इंडिया के बारे में क्या रीड करना है, ये वीडियो में इसका ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, जो मेरा ये एनालिसिस है, जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या रीड करना है, क्या नहीं रीड करना है, क्या छोड़ना है एंशिएंट इंडिया में, क्या नहीं छोड़ना है, वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसे सबसे मैं मुझे सब कुछ पता है कि यूपीएससी 2019 में क्या पूछने लगी है पूछने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि बिकॉज यूपीएससी को का किसी को नहीं पता होता, लेकिन ये बात है कि ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे और जो यूपीएससी के फेवरेट एरियाज रहे हैं उनके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसी चीजों में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी स्ट्रेटजी का, कि आपको ये पता हो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिकॉज अब आप सिंपल, आपको कोई बोले कि देखिए प्रीलिम्स है 2019 का और आप एनसीईआरटी पढ़ लो, तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ काइंड ऑफ इलॉजिकल थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज अभी आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटीज रीड करो, आप स्टैंडर्ड बुक्स रीड करो। आपका यहाँ पे मोटिव होना चाहिए वो कंसेप्ट्स पे फोकस करना जिसको आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवरेज दे सको और अपने एग्जाम में अपनी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ा सको। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करते हैं। मैंने ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, मैंने यहाँ पे डायरी में मेरे आगे लिखे पड़े हैं, तो ये मैंने ऐसा नहीं है कि कुछ खुद से बनाए हैं, ये इनका ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे जो यूपीएससी के पास्ट पेपर्स हैं। तो दोस्तों, एक पहली आप सिंपल मैं आपको बात बताता हूँ कि एंशिएंट इंडिया जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में ह्यूमंस की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, फर्स्ट टाइम ह्यूमंस कब पाए गए, ह्यूमन जो आपके जो हम बोल सकते हैं उनको आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं ह्यूमंस के बारे में, वो कब पाए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, और कौन सी जगह पे पाए गए उसकी ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज यूपीएससी का ये चीजें ऐसी ज्योग्राफी के रिलेटेड बहुत चीज है फेवरेट रही है। अब तो यूपीएससी की आदत है कि हिस्ट्री के में भी ज्योग्राफी वो एक तरह से मिक्स कर देते हैं कि ये साइट कौन सी जगह पे है और ये किसमें पड़ती है। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था कि जो आपकी जो एक साइट थी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट्स नेम, हड़प्पन साइट थी वो, उसका पूछा गया था कि ये जो है किन किन रिवर्स के बीच में है। तो ऐसी चीजें पूछी जाती हैं यूपीएससी में। तो देखो, पहली बात तो होगी कि आपको पता होना चाहिए ह्यूमन हिस्ट्री कितनी पुरानी है, और उसके बाद आपको पता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में एकदम से सब कुछ तो हो नहीं गया, विलेज एकदम से नहीं आ गए, एग्रीकल्चर एकदम से नहीं आ गया, अर्बनाइजेशन एकदम से नहीं आ गया, बिकॉज ये सोशो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसेसेस हैं। तो इसमें देखिए, दूसरी बात जो है, आपको ह्यूमन हिस्ट्री के बाद फोकस करनी है, वो आपको देखना है कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन कैसी हुई। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपल बात है, आपका पहले ह्यूमन बींग्स क्या थे, नेचर पर डिपेंडेंट थे, वो स्टोन टूल्स यूज करते थे, तो स्टोन टूल्स वाली जो एज है हम उसको डिवाइड कर देते हैं पैलियोलिथिक एज में, आपका योर मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में, और उसके बाद एक आ जाती है चालकोलिथिक एज जिसमें कॉपर प्लस स्टोन मिक्स यूज होता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इंडिया में पैलियोलिथिक मींस ओल्ड स्टोन एज, तो आपको ये देखना है कि पैलियोलिथिक साइट्स इंडिया में कहां-कहां हैं, उनकी ज्योग्राफी देखनी
देखनी है और उनका उनका जो जो उनकी देखनी है कि कब ये जो है रिकॉर्ड्स में ये कितनी साइट्स हैं और ये नंबर नहीं इम्पोर्टेंट है, बेसिकली ये देखना है कि इनमें क्या क्या देखा गया है, बेसिकली यहाँ पे क्या पाया गया है। जैसे एक न्यूलिथिक साइट है बुरजाहोम, ये कश्मीर में है, तो दोस्तों उसमें क्या है जो पिट ड्वेलिंग्स थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर थी और उसके बाद वहां पे ग्रेव में ह्यूमन बींग्स के साथ डॉग्स डॉग्स की बोन्स भी पाई गई। तो ये चीजें सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात हो गई पैलोलिथिक चाल आपकी मेसोलिथिक और न्योलिथिक की साइट्स कहाँ पे हैं और ये इनके चीफ करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बरियल प्रैक्टिसेस कैसी थी, और उसके बाद दूसरी चीज जो है इनके इनके इन्होंने कौन से एनिमल्स ये यूज करते थे जिन पे डिपेंडेंट थे, और तीसरी बात जो आपको नोटिस में रखनी है वो ये नोटिस में रखनी है कि इनके फीचर्स कैसे थे, मतलब उन ये कैसे स्टोन्स यूज करते थे, न्यूलिथिक में क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आया, मेसोलिथिक में क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आया, और आपका जो सबसे पहले पैलोलिथिक में कैसा था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और उसके बाद आपका आता है सिंपल है कि हम जब ये चीजें कर लेते हैं पैलोलिथिक मेसोलिथिक और न्योलिथिक, उसके बाद हमारी कॉपर स्टोन एज आ जाती है जिसको हम चालकोलिथिक भी बोल देते हैं। तो स्टोन एज के बाद हमारी चालकोलिथिक कल्चर हमारे स्टार्ट हुए और उसी के पैरेलल हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी स्टार्ट हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि चालकोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन सेम है। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कुछ एक्सटेंड तक चालकोलिथिक बोल सकते हैं, लेकिन और से बहुत और बहुत सारे कल्चर्स हैं जो चालकोलिथिक में आते हैं, जैसे आहार कल्चर है, बानस कल्चर है। तो वो आपको देखने होंगे कि वो बेसिकली वो कौन से कल्चर्स थे और उनकी पोटरी कैसी थी, पोटरी मतलब उनके बर्तन कैसे थे। जैसे जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में रेड एंड बियर पोटरी काफी ज्यादा यूज की जाती थी, तो आपको पोटरी का थोड़ा ध्यान रखना है, चीफ फीचर्स का ध्यान रखना है उनकी। अगर वो अपना अपने जो उनकी सेटलमेंट्स थी वहां पे रहते थे, उनकी सेटलमेंट्स कैसी थी, इसको चीज को ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपका टॉपिक दोस्तों आ जाता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि अभी 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है और मैंने आपको चलो 2-3 मिनट 3 मिनट इंट्रोडक्शन पर रख लो, इस 4 मिनट में मैंने आपको क्या बताया वो चीजें बताई जो आपको जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो दोस्तों ये बहुत गलत हैबिट है और ये चीजें छोड़ दीजिए, बिकॉज यूपीएससी की आदत है ऐसी चीजें पूछना जिनको बच्चे इग्नोर करके जाते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्टली काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होता है, तो काफी बच्चों ने पढ़ रखा होता है और इंडस हम अपनी छोटी छोटी जब हम छोटे होते थे तो बुक्स में भी पढ़ते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपको क्या देखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको ओरिजिन देखना है, उनकी जो डेटिंग देखनी है कि कौन सा उनका अर्ली फेज था, मेच्योर फेज कब आया और उसका डिक्लाइन देखना है, और साथ ही साथ उनके जो अर्ली फेज में क्या फीचर्स थे, मैच्योर फेज में क्या फीचर्स थे और डिक्लाइन में क्या फीचर्स थे। इसमें देखिए मैच्योर ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैच्योर में आपका देखा गया कि इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली में देखी गई, तो उसमें क्या है आपको देखना होगा कि उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, उनकी उनके जो बिल्ड जो स्ट्रक्चर थे उन्होंने बिल्ड किए हुए, कौन सी साइट में कौन सा स्ट्रक्चर देखा गया। और हाँ दोस्तों ये जरूर रखना याद रखना कि इसकी एक्सटेंट भी आपको देखनी है कि कितनी दूर तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, इसका जियोग्राफिकल एरिया क्या था, कौन कौन सी साइट किस किस रिवर के किनारे लगती थी और कौन कौन सी साइट किस किस ने एक्सकवेट की है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और साइट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी यूपीएससी पूछता है दोस्तों। तो जैसे मेजर मेजर साइट्स हैं, जैसे आपकी मोहनजोदड़ो है, हड़प्पन है, राखीगढ़ी है, धोलावीरा है, लोथल है, तो ऐसी साइट्स कालीबंगा है या आपकी बालाकोट है, ये सारी जो साइट्स हैं इनके चीफ थोड़े से थोड़े आपको चीफ फीचर्स देखने हैं। और यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे पाई गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रीस्ट किंग कहाँ पे पाया गया, जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल थी वो कहां पे पाई गई, और आपकी मदर गोडेस कहां पे पाई गई, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका डोक यार्ड कहां पे पाया गया, आपका एक वुडन प्लोशियर का टेराकोटा फिग ड्राइंग कहां से पाई गई, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देखिए ये अर्बन सिविलाइजेशन थी तो एग्रीकल्चर तो ये करते थे जरूर, कुछ स्मॉल सेटलमेंट्स थी जो एग्रीकल्चर करती थी, लार्ज सेटलमेंट्स में भी एग्रीकल्चर होता था, तो आपको ये भी देखना है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्रॉप्स ये उगाते थे, उनका क्या यूज करते थे, ये आपको देखना है। और उसके बाद आपको ये भी देखना है, अब दोस्तों अर्बनाइजेशन इनमें थी, इनकी साइट्स में हमने जो रिकॉर्ड्स पाए हैं उसमें क्लियरली पता था कि ये अर्बन सेंटर्स भी थे इनके पास, तो अर्बन सेंटर्स थे तो ऑब्वियसली ट्रेड भी होगा, तो ट्रेड के बारे में जरूर देखना है कि कौन कौन सी चीजों में ये ट्रेड करते थे, इनका इंट्रा रीजनल जो अपने खुद में के रीजन में कैसा ट्रेड था, और इनके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे थे, मतलब ट्रेड की टर्म्स में आपके
सिंपल बोल देते हैं कि क्या ये एक्सपोर्ट करते थे और क्या ये इंपोर्ट करते थे। अब दोस्तों सिंपल बात है, ट्रेड भी तब होता है जब आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, आप कुछ आपका कोई क्राफ्ट आप बनाते हो, तो आपको ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्राफ्ट का पता होना चाहिए कि क्या क्राफ्ट ये बनाते थे, क्या 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 स्पेशलाइजेशन थी कौन कौन सी साइट की, जैसे डिफरेंट, जैसे कालीबंगा में काफी ज्यादा नाम ही इसी वजह से बड़ा है कालीबंगा का, बिकॉज वहां पे ब्लैक बेंगल्स देखी गई। तो ये भी आपको देखना होगा कि कौन सी साइट में स्पेशलाइजेशन थी किस किस चीज की, और ये चीज ये भी आपको देखनी है कि कहां से वो जो रॉ मटेरियल था वो प्रोक्योर किया जाता था वो चीज को, वो प्रोडक्ट को बनाने का। तो इसमें ये क्राफ्ट की बात हो गई। और उसके बाद दोस्तों रिलीजन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिलीजन आपको पता होना चाहिए कि क्या इनका कैसा रिलीजन था, क्या हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं, जैसे ये आपके जो जो आपके सिंपल है सील्स पे जो डिपिक्ट करते थे पीपल ट्री नेचर वर्शिप, तो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे योनी वर्शिप पे वहां पे पर प्रेवलेंट थी, तो इसको ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इनके रिलीजन के बारे में। और उसके बाद दोस्तों आ जाता है इनकी पोट्री के बारे में, इनकी पोट्री कैसी थी, इनके बर्तन कैसे थे, उनके फीचर्स कैसे थे, क्या यूज करते थे। और उसके बाद दोस्तों वेट्स एंड मेजर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वेट्स एंड मेजर्स कैसे थे, कि इनसे किस रॉ मटेरियल से बने हुए थे और उनका क्या फीचर था, जैसे उनके बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी पाई गई है उनके जो वेट्स एंड मेजर्स हैं। और दूसरी बात, नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी उनकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज की, आपको पता होना चाहिए कि उनकी लैंग्वेज क्या थी। अब दोस्तों आपको पता है कि लैंग्वेज तो उनकी डेसिफर नहीं की गई, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि उनकी स्क्रिप्ट कैसी थी, पिक्टोग्राफिक थी या सिंपल लेटर वाली थी। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको उनका पैटर्न क्या था लिखने का, तो इनका पैटर्न मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ, बोस्ट्रोफेडन था, तो आपको पता होना चाहिए कि बोस्ट्रोफेडन का मतलब क्या है। तो ऐसी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट है कि वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें किस किस जगह पे पाई गई हैं। और लास्टली आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका डिक्लाइन, कि डिक्लाइन के रीजंस क्या हैं, कब डिक्लाइन हुआ, किस पीरियड में डिक्लाइन हुआ, और इनका जो आपका हम बोल सकते हैं कि उसके पीछे रीजंस क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के क्या रीजन थे, और क्या उनकी कंटिन्यूटी है, तो जो उनका कल्चर जो वो फॉलो करते थे उसकी कंटिन्यूटी आज भी इंडिया में देखी गई है। तो ऐसी चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद डिक्लाइन होने के बाद बहुत सारे कल्चर हैं जो आते हैं, जैसे चालकोलिथिक कल्चर्स हैं, तो वो आपको जरूर देखने हैं और उनकी पोट्री भी देखनी है। और उनके वो ये जो चालकोलिथिक कल्चर्स थे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के पैरेलल भी थे और उसके बाद भी थे, तो ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। और उसके बाद दोस्तों हमारी आ जाती है वैदिक एज, क्योंकि वैदिक एज में भी सीधा नहीं हम स्टार्ट करते, पहले इंडिया में आर्यन आते हैं, फिर हम देखते हैं कि हाँ ये अच्छा ठीक है इंडस ये वैदिक एज स्टार्ट हो गई। तो आपको ओरिजिन देखना है आर्यन का, कि कहां से ओरिजिन है और क्या 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 डिबेट्स हैं इसमें, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, और आपको आपको ओरिजिन के बारे में देखना है, उनकी ज्योग्राफी के बारे में देखना है। अब देखिए दोस्तों उनका ओरिजिनल होम के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उनके चीफ फीचर्स क्या थे, वो मतलब के क्या क्या कैसे थे, बेसिकली पेस्टोरल कम्युनिटीज थी वो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और देखिए दोस्तों उनके बारे में हमें ज्यादातर कैसे पता है, बेसिकली हमें पता है उनके टेक्स्ट से, जो जो उन्होंने टेक्स्ट लिखे, जैसे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये सारे जो थे। आपको दोस्तों दोस्तों ये भी जरूर पता होने चाहिए कि क्या टेक्स्ट थे उनके, उन्होंने जो लिखे थे, और उनसे हमें क्या पता चलता है कि उनकी ज्योग्राफी क्या थी, कहाँ पे थे वो, और उनके कल्चर कैसा था, और वो किन किन चीजों को वैल्यू करते थे, उनकी इकोनॉमिक, जैसे हम बोल देते हैं कि उनकी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैसी होती थी, बेसिकली ब्रॉड लैंग्वेज में बहुत बात करें तो उनकी इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी सोसाइटी के बारे में बात पता होना चाहिए, उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, उनकी जो जो डेली सस्टेनेंस है खुद की उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद उनके रिलीजन क्या था, रिलीजन और उनका थॉट, जो मैं थॉट वर्ड बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कल्चर में आ जाता है आपका, कल्चर में इस पर मैं डिटेल में फोकस करूंगा। और वैदिक लिटरेचर भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ज्यादा आपका जो लिटरेचर है वो कवर होता है, जैसे फोर वेदास कवर होते हैं, ब्राह्मणास कवर होते हैं, उपनिषद्स कवर होते हैं, आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें कवर होती हैं। तो ये आपको सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये कल्चर में भी आप देख सकते हो, तो उसको मैं आप कल्चर में आपके कवर कर दूंगा। तो ये चीजें आपको ब्रॉड सी इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, और कैसे कास्ट सिस्टम ओरिजिन में आया, कैसे कैसे इन्होंने मतलब अपनी एक तरह से डोमिनेशन बनाई इंडियन 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 पॉलिटिकल सीन में, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में भी वही है जो प्री जो जो अर्ली वैदिक एज में था वो आपको लेटर वैदिक एज में भी देखने को देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है कि लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में के पीरियड में क्या क्या चेंजेस आई, इन विच इन इन वट वे द अर्ली वैदिक एज वॉज डिफरेंट फ्रॉम द लेट वैदिक एज, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों वैदिक एज के बाद आपके इस एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, टर्मिनोलॉजी,
ये यूपीएससी की आदत है कि यूपीएससी टर्मिनोलॉजी पे बहुत फोकस करता है। वैदिक लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे ब्रह्मावादिनी, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। कुछ आप में से होंगे जिनको पता होगा। बेसिकली ये ब्रह्मावादिनी कौन थे, ये वुमेन थी जिन्होंने वैदिक जो हाइम्स थे उन्होंने जिन्होंने कंपोज किए थे, जो वुमेन के बीच में थी। तो ऐसे उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सी प्रोमिनेंट ब्रह्मावादिनी थी, जैसे लोपामुद्रा थी, आपकी गोपा थी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद आपको ये भी, और जैसे मैं सिंपल बता देता हूँ, कमाकारस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था। तो कमाकारस कौन थे, कमाकारस कौन थे, जो जो आपके जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे। तो ये सारी चीजें उनकी पता होनी चाहिए। और उसमें पॉलिटी में जो उनकी इनकी सभा समिति, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बार बार इन चीजों को फॉलो बोलूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपको पता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों आ जाता है, अब वैदिक एज के बाद आपको पता है कि दो रिलीजन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। दो रिलीजन नहीं, मल्टीपल रिलीजन थे जो स्टार्ट हुए, और उनमें से जो मेजर मेजर रिलीजन थे, किन्होंने स्टार्ट किए, कहाँ किन्होंने स्टार्ट किए, कैसे उनकी प्रोपगेशन हुई, रॉयल पैट्रोनेज कैसी थी, उनको पैट्रोनेज कैसी दी गई, किन किन किंग्स ने उनको सपोर्ट किया, या क्या 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 उनकी असेंबलीज हुई, वो चीजें आपको सारी फोकस करनी है। जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म है, तो बुद्धिज्म का ओरिजिन, बुद्धिज्म के फाउंडर, और जैसे आपको पता है गौतम बुद्ध, तो उनका निक नेम, पहले तो गौतम बुद्ध की पर्सनल लाइफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे हमें पर्सनल लाइफ के बारे में जानना नहीं चाहिए ज्यादा, लेकिन पर्सनल लाइफ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध की। तो आपको पता होना चाहिए कि उनका ओरिजिनल क्या नाम था, कौन सी ट्राइब से वो बिलोंग करते थे। तो आपको पता होगा कि वो साक्या ट्राइब को बिलोंग करते थे। तो उनके फादर क्या का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था, उनकी इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सी इवेंट थी जिनकी वजह से उन्होंने सारी चीजें छोड़ी, और उनका उन्होंने जो बुद्धिज्म का जो पाथ है वो एनलाइटनमेंट कहाँ पे उनको मिली, और उन्होंने क्या प्रिंसिपल्स दिए। ये आपके कल्चर में भी आ जाते हैं, ये आपके जो आपका कल्चरल थॉट है उसमें भी कवर हो जाते हैं, लेकिन रिलीजन को आप हिस्ट्री में भी कवर कर सकते हो। तो उसको आपको देखना होगा कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी बुद्धिज्म में, और क्या इनकी काउंसिल्स थी, कौन किंग्स इनको पेट्रोनाइजेशन देते थे, क्या क्या इनके डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स हुए अमर्ज हुए, क्या इनके टेक्स्ट्स हैं, और क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एट फोल्ड पाथ गौतम बुद्ध ने दिया और फोर नोबल ट्रुथ्स दी। तो ये सारी चीजें, और उनके बाद इन्होंने पहले कहाँ सरमन दिया, और उसके बाद इनके इनके इस रिलीजन के रिलेटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे स्तूप थे और चैत्याज और विहाराज थे, चैत्याज में जिनमें ये मेडिटेशन करते थे और विहाराज जहाँ पे रहते थे। तो इन चैत्याज विहाराज के एज एन इंस्टीट्यूशन क्या रोल है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब मैं इतना ज्यादा डिटेल में जाऊं तो उसका कोई फायदा नहीं है, यही है कि बस आपको ये पता होनी चाहिए। और उसके बाद इनके पैरेलल इनके एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इनके साथ अमर्ज हुई महाजनपदास। तो आपको महाजनपदास के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी 16 महाजनपदास थी, उनके नाम कहाँ थे, कौन कौन सी ज्योग्राफिकल जगह पे थी, क्योंकि बिकॉज यूपीएससी ऑलरेडी एक बार इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मत्स्य अवंती, मैप बेस्ड क्वेश्चन था वो, मत्स्य अवंती देर वॉज वन वन अंग एंड योर योर वलाभी टाइप है ना, दीज फोर, आपको ये फोर साइट्स के वो बताने थे कि कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है। उन्होंने एक मैप दे दिया था और आपको वो शो करना था उसके। तो उनकी ज्योग्राफी, उनके फाउंडर्स, उनके मेन रूलर्स, अब हर एक महाजनपदा क्या तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेजर हैं, जैसे अवंती है, मगध है आपका, अंग है अंग प्रदेश, और आपकी दूसरी मत्स्य है, तो ऐसी एक तक्षशिला वाली भी थी जो आपको, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद दोस्तों इनके इनके बीच में कैसा डिस्प्यूट था, ये कैसे डिस्प्यूट करती एक दूसरे दूसरे के साथ, कैसे इनका डिस्प्यूट था, कैसे इनके रिलेशन थे, और कौन ये जो थी महाजनपदा किन किन किस रिलीजन को फॉलो करती थी, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और अल्टीमेटली इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि राइज ऑफ मगध कैसे हुआ, बिकॉज मगध जो महाजनपदा थी इन 16 में से अल्टीमेटली वो बाद में डोमिनेट करके निकलती है। तो क्या उसके रीजन थे डोमिनेशन के, कि उन्होंने ऑल ओवर इंडिया एम्पायर बना सके एक टाइम पे वो अंडर मौर्या, तो आपको ये देखना है कि उनके राइज के क्या रीजन थे, उन्होंने कैसे सबको उस सबॉर्डिनेशन में लिया। और इसी के साथ आपकी आपके आपको ये भी देखना है कि जब ये मार्जिंग में थे तो उस टाइम पैरेलल पे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे कौन सी इन्वेजन्स हो रही थी, जैसे पहले तो आपका डेरियस सीरस वगैरह हो गए जिन्होंने किया था, उसके बाद आपके जो जो ग्रीस थे, जैसे अलेक्जेंडर ने 326 BC में अटैक किया, और ड्यूरिंग द अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर के
टाइम पे भी चंद्रगुप्त मौर्य जब पावर में आए तो उस टाइम भी जो था उससे उससे पहले ऑलरेडी जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था वो ग्रीक्स के अंडर था, जो आपका जो सिलिकस निकोटर है उसका गवर्नर था अलेक्जेंडर का, तो ये वो एरिया जो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था उसको कंट्रोल, जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया का उन्होंने हिस्सा कंट्रोल किया था, वहां पे क्या कल्चरल चेंजेस आई उनके कंट्रोल की वजह से और उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स उनके वजह से कल्चरल कौन से स्कूल इमर्ज हुए, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है मौर्यन एम्पायर में। अब दोस्तों सिंपल बात है, मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे बिकॉज मगध अल्टीमेटली हमने राइज देख लिया कि कैसे हुआ और मौर्यन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फाउंडर कौन था, उसके बाद उसका रिलीजन कौन था, कैसा था चंद्रगुप्त मौर्य का, किसने उसको हेल्प किया, जो हम जिसको चाणक्य बोल देते हैं, क्या उसका टेक्स्ट था उनका, और उसके बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद बिंदुसारा के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद अशोका के बारे में तो चलो आपको पढ़ना ही है। अब उसमें उनको आपको ये भी देखना होगा कि एक मगस्तनीस था जो ग्रीक एम्बेसडर था इसकी इसकी कोर्ट में, मौर्यन एम्पायर की कोर्ट में, तो ये भी आपको देखना है कि मगस्तनीस की जो बुक थी इंडिका उसमें उसने क्या ऑब्जर्वेशन की, क्या हमें इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, कौन कौन से इनके ऑफिशियल्स थे, कैसे इनके जो कौन से रीजनल सेंटर्स थे जिन जिन जगह पे, जैसे उज्जैनी एक इनका रीजनल सेंटर था, तक्षशिला एक इनका रीजनल सेंटर था, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इनपे कौन रूल करता था ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद हाँ अशोका की तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अशोका के बारे में आपको पता होना चाहिए वो कौन से रिलीजन को फॉलो करता था, क्या उसके प्रिंसिपल्स थे, क्या उसकी लाइफ में मेन इवेंट्स थी, कौन कौन सी जगह पे उसने डिक्स लगवाए अपने अपनी इंस्क्रिप्शंस लगवाई, और उससे उसके टाइटल्स क्या थे, और वो उसकी पॉलिटिकल अप्रोच क्या थी सोसाइटी की और सोशल अप्रोच क्या थी, कैसे वो सारे सिस्टम को मैनेज करना चाहता था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद आपकी आपका ये सारी चीजें आपको देखनी है, इसमें बात आ जाती है अर्थशास्त्र के बारे में, तो अर्थशास्त्र के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं मिस कर गया, वो ये है कि मौर्यन एम्पायर से पहले और जो रीजनल एम्पायर थे, जैसे आपका आपका हरण्यका डायनेस्टी, आपकी शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद दोस्तों आपका पोस्ट मौर्यन एज आ जाती है, पोस्ट मौर्यन एज में क्या है आपका डिफरेंट रीजन में, जैसे कन्वाज आ जाते हैं, शुंगड डायनेस्टी आ जाती है आपकी, और उसके बाद कनवाज आ जाते हैं, सेंट्रल इंडिया में आपके आंध्रज आ जाते हैं जिन्हें हम सतवाहनास भी बोलते हैं, तो सतवाहनास की एडमिनिस्ट्रेशन, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी आपके चेंजेस आ जाते हैं, वहां पे एक टाइम पे आपका कनिष्क रूल हो जाता है, जो आपका और उस कनिष्क के बारे में भी आपको काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब बेसिकली ये है कि आपको टर्मिनोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट पॉलिटिकल रूलर्स की, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी, उनका लिटरेचर, उनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, उनके इंपॉर्टेंट उनकी कोर्ट में इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स कौन आए, फाहिन, जैसे जो आपका फाहिन था वो चंद्रगुप्त वन के टाइम पे आया, आपका जो हिमसैंग था वो हर्षवर्धन की एज में आया, और उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ग्रोथ ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म तो मैंने आपको बता ही दिया, और उसके बाद इंडिजीनियस डायनेस्टीज के बारे में मौर्यन एम्पायर के बाद आपको देखना है, फॉरेन डायनेस्टीज देखनी है कि कौन सी थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और उनको आपको ये भी समझना है कि कमर्शियल कॉन्टेक्ट कैसे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब अशोका एम्पायर खत्म हो गया, मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया, तो कमर्शियल कॉन्टेक्ट कैसे इमर्ज हुए आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। और इसी के साथ यहाँ पे एक टाइम पे अब देखिए सिंपल बात है, जब बड़े बड़े रूलर्स आ जाते हैं तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी इमर्ज हो जाते हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो स्कूल्स ऑफ आर्ट हो, तो जो आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, आपको ये भी देखना है कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या उनके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या उन्होंने ऐसी चीजें बनाई जिसकी वजह से इंडिया की सोसाइटी में, रिलीजन में आज भी इंपैक्ट है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। और उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आपके गुप्ताज आपको पता ही है दोस्तों के गुप्ताज के बारे में आपको सिंपल है कि कहां से उनके बारे में पता चलता है, ये भी आपको देखना है, आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री देखनी है गुप्ताज की। और उसके बाद उनके कोर्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेवलर आया था चंद्रगुप्त वन के टाइम पे जिसका नाम था फाहिन, तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, तो उसने क्या क्या लिखा, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उनके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन सी आर्ट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, जैसे दियोगढ़ टेम्पल उन्होंने बनाया, तो उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अर्बन सेंटर्स कौन से प्रोमिनेंट थे, इकोनॉमिक कंडीशंस कौन सी प्रोमिनेंट थी। अच्छा दोस्तों ये बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये भी पता होना चाहिए, हम बहुत ज्यादा बार इग्नोर कर जाते हैं कि एंशियंट इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या ग्रोथ हुई। तो गुप्ता एज में भी आपने देखा कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे गए,
तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वुमेन का स्टेटस कैसा था, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों बीरिल गुप्ता के बाद हर्षवर्धन आ जाता है नॉर्थ इंडिया में, वो आपको पता होना चाहिए। सोर्सेज क्या है उसका, इंपॉर्टेंट पोइट कौन था, उसकी अर्ली लाइफ क्या थी, उसकी पोलिटिकल कंक्वेस्ट क्या थी, और उसकी राइवलरी किससे थी, किससे वो जीता, किससे वो हारा, कौन सी उसने इंस्क्रिप्शन ज्यादा कौन सी इंस्क्रिप्शन इशू की, तो इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था। और दोस्तों लास्टली, अब मैंशन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात है कि आपको साउदर्न डायनेस्टीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आजकल यूपीएससी की हैबिट बन चुकी है कि वो साउदर्न डायनेस्टीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आपको साउदर्न इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। और अब संगम लिटरेचर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद साउदर्न डायनेस्टीज में जैसे आपके जो चोलास थे, चीरास थे, पांड्यास थे, तो ये सारे चीज आपको पता होनी चाहिए, पांड्यास ऑफ मदुरई। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके साउदर्न इंडियन डायनेस्टी के। और उसके बाद दोस्तों अब बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है कि अच्छा जी ये तो एंशिएंट इंडिया कवर हो गया, मैं भी इतनी देर से बोल रहा हूँ, मैं भी चलो थक चुका हूँ, लेकिन एक चीज हम मिस कर जाते हैं, फिर एंशिएंट इंडिया से सीधे हम छलांग लगाते हैं मेडिवल इंडिया में, बीच में जो अर्ली मेडिवल इंडिया है उसको भूल जाते हैं। तो अर्ली मेडिवल इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गुप्ताज के बाद और हर्षवर्धन के बाद और साउथ इंडिया में वो जो आपके रीजनल ट्राइब्स थे उनके बाद कोई ऐसा रूलर इमर्ज नहीं हुआ जिसने ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे डोमिनेट बनाई गई हो। उसमें देखिए तो उसमें जो आपके रीजनल किंगडम्स थी वो इमर्ज हुई, जैसे आपके पल्लवास थे, चोलास थे, चीरास थे, पांड्यास थे, पालास थे, राष्ट्रकूटास थे, होसालास थे, ये सारी चीजें आपको रीजनल किंगडम्स और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट रूलर्स, उनकी इकोनॉमी और उनकी कोर्ट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स, उनके जो रूलर्स थे इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में भी। तो दोस्तों बोल तो मैं बहुत लिया, लेकिन आपके मैंने 26 मिनट लिए, लेकिन आपको मैंने एक आइडिया जरूर दिया, कोशिश करी अपनी साइड से कि आपको मैं बता सकूं। तो जल्दी से जल्दी मैंने कवर करने की कोशिश की, अगर कुछ मिस होता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और पूछ भी सकते हो, आपको पूरी लिबर्टी है। और यही इस आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी मेडिवल इंडिया पे होगी कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो जस्ट आपको फटाफट से रीडिंग लेनी है इन चीजों की, फटाफट से, तो आपका प्रीलिम्स श्योर होगा और जरूर होगा। आप बस मेहनत करते रहिए, अपना काम करते रहिए। तो शुक्रिया दोस्तों, थक चुका हूं मैं बोल बोल के, थोड़ा सांस ले लूं, शुक्रिया। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।